हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए कि आप टैली प्राइम के अंदर कोई भी दिखाता हूं, मैं यहां से मैं पहले टैली प्राइम को ओपन करता हूं। सवाल ये है कि टैली प्राइम के अंदर अगर आप कुछ परचेजिंग करते हैं, ठीक है, या सपोज कीजिए कि आप कुछ सेल करते हैं, सेल ही करते हैं मान लीजिए, तो सेल जैसे ही आप करते हैं तो सेल करने के बाद जब आपको पेमेंट मिलता है तो क्या उस वक्त कैश की जरूरत आपको पड़ती है या नहीं पड़ती है। सवाल यही है, यानी कैश का बैलेंस आपका क्या रहता है और दूसरा जो आपकी डेटर पार्टी है उसका बैलेंस क्या रहता है। देखिए, डेटर पार्टी अगर हमें कैश में दे रही है पैसा तो फिर तो बैलेंस की बात ही नहीं है। अगर बैंक से भी दे रही है तो वो अपने बैंक से दे रही है, अपने बैंक से पैसा दे रही है, बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो ऐसे में भी कैश की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं एंट्री करके। यहां से पहले हम न्यू कंपनी बनाएंगे और न्यू कंपनी में ही ये एंट्री करके देखेंगे। यहां पे गए, एंटर किया और यहां से कंपनी एक बना लेते हैं। जैसे मैं यहां पे कर देता हूं न्यू मॉर्निंग शॉप, ये मान लीजिए कंपनी का नाम है और यहां पर आपके जो लोकल एरिया का एड्रेस है वो एड्रेस आ जाता है, तो वो एड्रेस डाल दीजिए, एंटर कर दीजिए, यहाँ पे यू प्रेस कीजिए और यू प्रेस करने के बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ जाएगा। बाकी यहाँ पे पूरी डिटेल भरते हुए एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, तो ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। जो सवाल हमारा मेन है उस सवाल पे आते हैं, जीएसटी वगैरह छोड़ते हैं, अभी हम सवाल पे आते हैं। ये कंट्रोल ए कर लिया, ये एक्सेप्ट हो गया, न्यू मॉर्निंग शॉप नाम से कंपनी बन गई। यहाँ पे लिखा हुआ है नो बाउचर एंटर्ड, मतलब क्या है, मतलब ये है कि अभी इसमें कोई भी बाउचर एंट्री पास नहीं हुई है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं यहां पर वी बटन प्रेस करके डायरेक्टली परचेस करता हूं, ध्यान दीजिएगा जरा, परचेस कर रहा हूं उसी सवाल का जवाब देने के लिए जो सवाल मुझसे पूछा गया है, ठीक है। जो मैं कह रहा हूं कि आखिरकार डेटर पार्टी को क्या मतलब है कैश होने या ना होने से, अगर डेटर पार्टी पैसा कैश में दे रहा है तो आपको रिसीव ना करना है, आप अपने कंपनी में तो रिसीव करोगे, तो फिर डेटर पार्टी से आपका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, समझ रहे बात को। अब देखिए कैसे मतलब नहीं है, यहां पर आए और यहां पर मान लीजिए हम एक क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाते हैं, लाइक सप्लायर पार्टी का, तो ये हो गया सप्लायर, वन कर देते हैं, एंटर करते हैं और इसका ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट हो गया, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कराते हैं, ये एक्सेप्ट हो गया। यहां पर आएंगे क्रिएट पर, तो लेजर बनेगा किसका, परचेज अकाउंट का, तो ये हो गया परचेज ए/सी अकाउंट, एंटर करेंगे और ये ग्रुप होगा परचेज का, पी प्रेस करेंगे, परचेज अकाउंट हो गया है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। अब ये है नेम ऑफ आइटम, यहां पर किस आइटम की बात हो रही है, तो अल्ट सी करके एक आइटम बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहां पर एक आइटम मैं बना लेता हूं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक स्टॉक आइटम, लैपटॉप ले लेते हैं, लैपटॉप, ठीक है, तो ये भी हमारा स्टॉक आइटम है। अब लैपटॉप बिकेगा, खरीदा जाएगा तो किसमें, तो नंबर्स में खरीदा जाएगा, ठीक है, तो ये नंबर्स कर दिया और यहाँ पे फॉर्मल नेम पूछेगा तो आप नंबर्स दे दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा और यहाँ पे एन प्रेस करेंगे, नंबर्स हो जाएगा और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, एंटर एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कराइएगा। अब ये आ गया लैपटॉप, मान लीजिए पांच लैपटॉप परचेस किए गए, एक लैपटॉप की खरीद रेट 34,000 रुपए, कितनी पड़ी 34,000, तो ये डिटेल आ गया, ठीक है। अब हम एक लैपटॉप की ही बात कर लेते हैं, ठीक है, सिंपली एक लैपटॉप रखेंगे जिससे आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए यहां पर बिल एडजस्टमेंट के लिए ये विंडो ओपन हो गई क्योंकि मैंने बिल वाइज डिटेल को चालू रखा है, एंटर करिए, एंटर करिए, इसको एक्सेप्ट कराइए, नरेशन नहीं डाल रहा हूं, सीधा आते हैं सेल्स वाउचर पर। अब परचेज किया तो इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर सप्लायर पार्टी का नाम आया था, ठीक है, सप्लायर वन मैंने लिखा था, तो इसका मतलब कि उसका पेमेंट भी करना है। लेकिन मान लीजिए अभी तो हमारे कंपनी में कोई कैश नहीं है ना, तो यहां पर आते हैं वी बटन प्रेस करके और यहाँ पे सेल्स वाउचर में एफिडेविट प्रेस करके आ जाते हैं, और सेल्स वाउचर में आने के बाद अगर कोई पार्टी आप मतलब उधार में सामान बेच दे रहे हैं, जैसे अल्ट सी करता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं रितेश, ठीक है, अब ये डेटर पार्टी का नाम है, ठीक है, और यहां पर इसका ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री डेटर ग्रुप होगा, तो यहां से सन्ड्री डेटर का ग्रुप लगाइए, एंटर करिए, एंटर करिए, इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, एंटर एंटर करके लास्ट तक आपको एंटर एंटर करते जाना है और ये एक्सेप्ट करा लेना है, ऐसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहां पे आते हैं तो एंटर करेंगे, सेल्स का लेजर बन जाएगा, तो ये सेल्स हो गया, एंटर करेंगे, यहाँ पे एस प्रेस करेंगे, सेल्स अकाउंट आएगा, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम आएगा, जब नेम ऑफ आइटम आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे लैपटॉप तो है ही हमारे पास, इसीलिए तो मैंने परचेस किया था, ठीक है। अब यहाँ पर एक सेल कर रहे हैं, सेल करेंगे कितने का, 55,000 का, तो यहाँ पे 55,000 का सेल कर दिया,
ठीक है, ये तो सेल हो गया। सेल होने के बाद यहां पर समस्या क्या आती है कि इसका पेमेंट हमें रिसीव करना है, तो रिसीव करना है तो रिसीव ना करना है उससे हमें क्या मतलब है, डेटर पार्टी से कि उसके पास कैश क्या किस मोड से वो दे रहा है या कैसे दे रहा है, वो तो उसके पास से आएगा ना, उसी की एंट्री हम अपने कंपनी में कर लेंगे। अगर वो पैसा किसी डेट पर दे रहा है तो उसी डेट पर हम अपने कंपनी में एंट्री कर लेंगे, उससे क्या मतलब है कि वो कैसे दे रहा है, किस तरीके से दे रहा है कि नहीं है, उससे हमें क्या मतलब है। वो पैसा देगा हम एंट्री कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहां से जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में F6 प्रेस करके, और यहां पर क्रेडिट आ रहा है तो हम यहां पर अपने जो हमारी डेटर पार्टी है उसका नाम लेके आएंगे। आ गए 55,000 रुपए बकाया है, अगर ये 55,000 रुपए दे देते हैं तो यहां रिसीव कर लेंगे हम, हो गया रिसीव। यहां पे अगेंस्ट रेफरेंस पे कर्सर आ ही जाएगा आपका, एंटर करिएगा। यहां पर मान लीजिए ये कैश दे रहे हैं या बैंक से दे रहे हैं, नो मैटर, ये कोई मैटर ही नहीं है, वो दे रहे हैं हम ले रहे हैं, बस हम उसी की एंट्री कर रहे हैं। हमारे में कैश जीरो हो जाएगा या कैश क्या हो जाएगा, हमारे में कैश तो जीरो होगा नहीं क्योंकि हम तो पैसा रिसीव कर रहे हैं ना, तो कैश तो हमारे में बढ़ जाएगा ना, वो कहां जीरो होगा। तो ये हम रिसीव कर रहे हैं, तो 55,000 रुपए हमने ले लिया। अब ले लिया तो हमारे पास कैश कितना हो गया, 55,000 रुपए। अब अगर हम पेमेंट करने जाएंगे तो हमारे पेमेंट में कोई भी नेगेटिव कैश का एरर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने एक लैपटॉप ऑलरेडी बेचा है। और कितना नहीं आएगा, 55,000 तक ही नहीं आएगा, उसके बाद आएगा। आइए देखते हैं, F5 करते हैं, आते हैं यहां पर। अब हम सप्लायर पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास कितना बैलेंस दिखा रहा है, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं बैलेंस इतना दिखा रहा है, मतलब इतना हमको पेमेंट करना है। अब पेमेंट करना है, लेकिन मान लीजिए हम 30,000 पेमेंट करें, तो यहां पे देखिए 30,000 दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहां पे 30,000 दिया, कोई भी नेगेटिव स्टॉक नेगेटिव कैश का एरर नहीं आया। अभी देखिए कैश में दे रहे हैं, अभी कोई एरर आया क्या, नहीं आया ना। तो आपने देखा कि आपने पैसा रिसीव कर लिया किसी भी डेट पर, बैलेंस आपका बढ़ेगा जब पैसा आएगा, तो आपका बैलेंस बढ़ेगा ना कि घटेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एकदम 100% ये क्लियर हो जाइए, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद अगर आप और पेमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए सप्लायर पार्टी को और पेमेंट करना हो, जैसे मान लीजिए अभी तो 1,40,000 यहां दिखाई रहा है, तो अगर इनको पेमेंट करना है और अगर मान लीजिए अब आप फिर 55,000 करते हैं, यहाँ पे एक बार तो 55,000 कर दिया, इस बार 60,000 करते हैं, यहाँ पे देखिए 60,000 या 56,000 ही कर देते हैं, तो यहां से जैसे ही 56,000 करके एंटर करके नीचे आएंगे ना, तो तुरंत ये 31,000 माइनस में चला जाएगा। देखिए 31,000 माइनस में जा रहा है कैश, यहाँ पे रेड में आ रहा है, और जैसे ही एंटर करेंगे तो यहां पर भी शो करेगा कि आपका कैश क्या है, देखिए वार्निंग आ रहा है नेगेटिव कैश का, देख रहे हैं। तो ये नेगेटिव कैश कब आएगा, जबकि आपके पास पैसा ही नहीं होगा, आपने सामान बेच दिया था 55,000 का, तो वो तो पैसा आपके पास था, उतना रुपया तो आपके पास कंपनी में आ गया था अपने आप, जब आप रिसीव करेंगे पैसा तो आ ही जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें से एक और सेल कर दें तो फिर देखिए जादू, यहां से बी बटन प्रेस किया, अब सेल्स वाउचर में आने के लिए F8 प्रेस करेंगे, और F8 प्रेस करके यहां पर अब जो है डेटर पार्टी का लेजर लगाएंगे, एंटर करेंगे, एंटर करके यहां पे आएंगे, और यहां सेल्स अकाउंट आएगा, और सेल्स अकाउंट आने के बाद क्या करना है, जैसे ही सेल्स अकाउंट आएगा यहां पर लैपटॉप की बात करेंगे, ये लैपटॉप आ गया, और यहां पे दो लैपटॉप जो है सेल कर रहे हैं, तो 55,000 के ही भाव से सेल कर रहे हैं, अब 1,10,000 रुपया हमारी कंपनी में आ ना जाएगा। तो जब ये आ जाएगा तो फिर तो 1,10,000 आ गया हमारे पास, जब आ जाएगा तो फिर तो उसको हम खर्च कर सकते हैं ना, ठीक है, उसको तो हम पेमेंट दे सकते हैं, जो बकाया है उससे हम पेमेंट कर सकते हैं ना, बात ये है। अब इसके अगेंस्ट में हमको पैसा रिसीव करना है, तो रिसीव कैसे करेंगे, तो वही यहां से पहले बाहर आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं हम कहां पे, सीधा रिसीव करने के लिए रिसिप्ट वाउचर में आ जाते हैं। अब रिसिप्ट वाउचर में जैसे ही आएंगे, पहले तो बाहर आते हैं यहां से, ये बाहर आ गए, बी बटन प्रेस किया, और अब आएंगे रिसिप्ट वाउचर में, तो ये रिसिप्ट वाउचर है हमारा। अब हम डेटर पार्टी का लेजर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे डेटर पार्टी का लेजर है, 1,10,000 रुपया हमको देंगे, तो चलिए कैश में दे रहे हैं मान लीजिए, तो यहां हो गया 1,10,000 रुपये, ये हो गया। अब यहां पर ये आया, अगेंस्ट रेफरेंस हो गया, एंटर किया और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे यहां पर, तो न्यू रेफरेंस हो जाएगा, एंटर करेंगे और यहां पर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ये हो गया, ठीक है, तो ये 1,10,000 हो गया। अब इसको एक्सेप्ट करा लिया हमने, अब एक्सेप्ट कराने के बाद कहां चलेंगे, पेमेंट वाउचर में, तो अब पेमेंट करेंगे तो देखिए क्या होता है, तो कितना था, तो सप्लायर पार्टी का देखिए यहां पर 1,40,000 रुपये था, तो आइए देखते हैं, कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो ये हो गया 1,40,000, ठीक है, तो ये आ गए, एंटर किया। अब जैसे ही एंटर किया तो यहां पर कोई नेगेटिव कैश आ रहा है या नेगेटिव स्टॉक आ रहा है, देखिए यहां पर एंटर किया, पूरा आराम से ये पेमेंट हो जा रहा है, समझ आ रही है बात, तो ये चक्कर है, इसको समझ लीजिए अच्छे से एकदम, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से क्लियर भी हो जाएगा आपको काफी, ठीक है।